दिया गया है। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 के आयोजक कल्याण जी जाना, जो बहुत ही चुस्तीले व्यक्ति है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का हर साल पुरस्कार देकर सम्मान करते हुए उनको और अच्छा काम करने के लिए एक मौका देते हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के समारंभ से जो कलाकार चाहे किसी भी फील्ड का हो, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, लोग हमारे काम का सराहना करते हैं तो फिर हमको और अच्छा करने का मन होता है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करके देने का काम फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से होता है, और निश्चित एक रूलिंग पार्टी के सांसद के नाते मेरा फर्ज बनता है कि देश की GDP को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री का है। आज जो TV इंडस्ट्री इतना बड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, तो इस प्रकार के अवार्ड के माध्यम से कलाकारों का भी मनोबल बढ़ता है, और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा, ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी कायम रहे। मैं इस कार्यक्रम में आ पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सारे कलाकारों को मिलकर, और आप मीडिया जगत से निवेदन करूँगा कि आप इन सारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आप भी करेंगे तो दूध में शक्कर जैसा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल ट्रेन शुरू नहीं हो पा रही, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। आम आदमी, आप जानते हैं कि जो वर्कर होते हैं लोकल ट्रेन से ही सफ़र करते हैं, 3-3 घंटा लग रहा है विरार से चर्च गेट जाने के, क्या कब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट? नहीं, आपके जानकारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले से परमिशन दे दिया है, ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी सरकार अपने नगरजनों का जान माल का रक्षा करने का प्रयास करते हैं, और मुंबई जैसे शहर में ट्रेन में कितनी भीड़ होती है हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो बात आपने की कि जो एकदम नीचे का तबके का जो व्यक्ति है जो सर्विस करने जाता है, अभी किसके पास गाड़ी है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम बार बार केंद्र सरकार भी इस बात का अपील कर रहे हैं राज्य सरकार को कि आप इसको शुरू करिए, और मुझे लगता है कि अभी शुरू करना चाहिए, क्योंकि BST बस में तो आप देखते हैं कि कितना खचाखच भर के लोग जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप बात करते हो तो फिर सभी जगह पे वो मेंटेन होना चाहिए। ट्रेन में भी बहुत ही जल्दी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कर देना चाहिए, इस मत का मैं हूँ, केंद्र सरकार भी है, और मैं मानता हूँ कि उद्धव जी इसके बारे में बहुत जल्दी से निर्णय ले लेंगे। बाला साहब जी का पुतले का अनावरण कल हुआ है, तो बाला साहब का आशीर्वाद निश्चित मुंबई शहर को मिलेगा, ऐसा अपेक्षा मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, और जल्दी से हम ट्रेन शुरू करके सामान्य लोगों को सफर करने का मौका उपलब्ध करके देंगे। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।